एके वाजपेयी, एके वाजपेयी आप तो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं, वकालत भी करते हैं, तो ये और एनडीए खेमे के हिस्सा भी हैं आप, तो ये हिंदू मुसलमान पर आए बगैर कोई चुनाव सिरे नहीं पहुंचता आपका? मौका किसने दिया? मौका किसने दिया, सवाल ये है। मौका दिया कांग्रेस ने, और मैं इसको अक्सर कहता हूं कि कांग्रेस हमेशा सेल्फ गोल करती है, ये सेल्फ गोल है। मैनिफेस्टो में ऐसी बातें लिखने की क्या जरूरत थी? मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिकल सर्वे कराएंगे, मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे। अब इस बयान को अगर मनमोहन सिंह के बयान के साथ पढ़ा जाएगा तो क्या नतीजा निकलेगा? प्रधानमंत्री ने अंदेशा जाहिर किया है, क्योंकि कांग्रेस का पुराना इतिहास इस तरीके का है, जहां वो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए तो पैसा देती है, मंदिर के शमशान घाट के बनाने के लिए पैसा नहीं देती है। एक सेकंड, कांग्रेस ने मौका दिया तो कांग्रेस ने तो ये कहा कि वो जो SC ST OBC अल्पसंख्यक है, अगर रिसोर्सेस की भी बात कर रहे हैं तो SC की, ST की, OBC की और माइनॉरिटी की सबकी बात कर रही है कांग्रेस, ये सिर्फ मुसलमानों की बात थोड़ी कर रही है। मैंने अभी क्या बताया आपको, मनमोहन सिंह के बयान से लिंक करके देख के हमको ये अंदेशा है कि कांग्रेस का जो इतिहास है उसको वो अगर सत्ता में आ जाए तो कहीं वो दोबारा से वो ना करने लग जाए, ये तो इतिहास है ना। और हमने मुसलमानों को घुसपैठिया कह देना, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कह देना, गर्मा जी ये बताइए घुसपैठिए इस देश में है कि नहीं है, पहले इस बात को, इस देश के मुसलमान घुसपैठी हैं? हमने कब कहा, किसने कहा मुसलमान को मुसलमान वर्ड यूज नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, चलवाइए प्रधानमंत्री जी की। मैंने मुसलमान वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान घुसपैठी हैं, लेकिन इसके साथ मैं बता देती हूँ, पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये कि ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे, क्या आपकी कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो मनमोहन सिंह जो बात कह रहे थे, हालांकि मैं उस पर डिसएग्री करती हूं, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह ने मुसलमानों से जोड़ा। अच्छा एक बात, और आपने मुसलमानों को घुसपैठियों से जोड़ दिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से जोड़ दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं जोड़ दिया, हमने तो जो हमारा इंटरप्रिटेशन चीज को पढ़ के अपना ओपिनियन बनाने का अधिकार है उसका इस्तेमाल किया। उसको आप कह रहे हो जी हेट स्पीच हो गई, समाज में ये कर दिया, समाज में ये कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन होता है, उनके पास हर तरह का डाटा होता है, हर तरह की रिपोर्ट होती है, उसके बाद कोई बयान दिया जाता है। अगर ये कहा उन्होंने, जो कि फिर दोबारा कहूंगा कि मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट और उनका जो पास्ट प्रैक्टिस रही है और जो मैनिफेस्टो है उसको जोड़ के पढ़ा जाएगा तो उसका नतीजा बिल्कुल यही निकलेगा कि अगर ये सरकार सत्ता में आ गई तो इस तरह का काम भी हो सकता है। किस तरीके, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है? माइनॉरिटी का पहला अधिकार है, इसका क्या मतलब है? माइनॉरिटी का मतलब बाकी संख्या तो है ही है, लेकिन माइनॉरिटी में भी मेजोरिटी कौन है? ये आपको बताना पड़ेगा। माइनॉरिटी में पारसी बच्चे पैदा नहीं करते, बौद्ध बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते, जैन बच्चे पैदा नहीं करते, करते रहिए। हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान ही बच्चे ज्यादा पैदा, ये तो वर्ड यूज नहीं किया, ये तो प्रिजम्पशन है आपकी। यू कैन प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन, ये आपका अधिकार। और ये पहली लाइन जो है, पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, ये तो उन्होंने कहा ही है, उसको कौन डिस्प्यूट कर देगा? ये तो मनमोहन सिंह की स्टेटमेंट है ही, सवाल वो नहीं तो मुझे बताइए कि वाजपेयी, नहीं एक सेकंड मुझे बताइए, घुसपैठिया किसे कहा गया, कौन है घुसपैठी? बांग्लादेश से भी है, पाकिस्तान से भी घुसपैठियों को वोटिंग राइट है। जवाब साथ साथ सुना करो ना आप। घुसपैठिए इस देश में है, बांग्लादेश से भी आए हैं, पाकिस्तान से भी आए हैं, अफगानिस्तान से भी आए हैं और जगह से भी आए हैं, तो वो वोटिंग राइट है उनके पास जो घुसपैठिए इस देश में। क्या कहा आपने, जो देश में घुसपैठिए हैं उनके पास वोटिंग राइट है? यही तो हमारा आरोप है कि आप जो है तुष्टीकरण की करते करते राजनीति, उनको कहते हैं जी सारा पहला आपका हक है, यही तो हमारा आरोप है, और क्या आरोप है? यही प्रधानमंत्री ने अंदेशा जताया है। नहीं तो अगर मैनिफेस्टो से इतनी तकलीफ थी एके वाजपेयी, क्यों नहीं गए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 15 दिन तक बैठे रहे? 6 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन, हमारे को देखो गर्मा जी चीजों को उलझाइए नहीं, अपने हिसाब से ना चलाइए। हमारे को राइट है इंटरप्रिटेशन किसी चीज का करने का कि नहीं है, प्लीज टेल मी। ये आपने अंग्रेजी लिख के हमको दी,
आप अपने तरीके से पढ़ते हो, ये अपने तरीके से पढ़ते हैं, हम अपने तरीके से पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी ने मैनिफेस्टो पढ़ा कांग्रेस का, और उससे उनको ये लगता है कि ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पे जा रहे हैं। तो इस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के खिलाफ क्यों नहीं गए, अदालत क्यों नहीं गए, आप ईसीआई क्यों नहीं, अगर ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये क्या आर्गुमेंट है कि हम ईसीआई क्यों नहीं गए? अगर ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, अगर ये बांटने की राजनीति कांग्रेस की है, तो 15 दिन तक आप बैठे क्यों रहे? आपको जाना चाहिए था चुनाव आयोग में शिकायत। कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम चुनाव के युद्ध में हैं, और उस चुनाव के युद्ध में हमारा ये फर्ज है कि हम देश की जनता को आगाह भी करें कि ये खतरे आने वाले हैं। जैसे हमने अपने टारगेट, कांग्रेस अगर आ गई, कांग्रेस अगर आ गई तो ये सर्वे जो करा रहे हैं इकोनॉमिक वाला, ये इसीलिए करा रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र कितना है, आपके पास सोना कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, और जब ये हो जाएगी तो वो दूसरी क्लॉज पे आ जाइए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। किसको दे देंगे, किसको दे देंगे? ये तो आप समझ रहे, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियरली कहा कि जिनके बच्चे अधिक होंगे, अब वो किसके होंगे, आप अंदाजा लगाते रहिए, अंदाजा लगाते रहिए। तो आप कहने से क्यों घबरा रहे हैं कि आप सीधे सीधे हिंदू मुसलमान पर आ गए? क्यों हम आ गए हिंदू मुसलमान, कहां हिंदू मुसलमान की बात हम कर रहे हैं, हम कांग्रेस की। ये देखो एक बात फिर समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट कांग्रेस के मैनिफेस्टो की वजह से आई है। अगर वो मैनिफेस्टो में ये चीजें नहीं लिखी होती तो ये स्टेटमेंट नहीं आती। नंबर 2, एक सेकेंड, इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हो, हेट स्पीच की परिधि में कैसे आता है ये जरा हमको समझा दीजिए। मैंने पढ़ के सुना दिया, ईसीआई कहीं कवर नहीं होता, कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सीधे लिखा हुआ है भाई, बिकॉज प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, इसलिए हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो हेट स्पीच की परिधि में भी नहीं आता है। हेट स्पीच की परिधि में नहीं।